अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक रिक्त स्थान हो गया है, या हमारी मुराद राजा वीरभद्र सिंह। राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे और उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि उनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ और उनकी मृत्यु 8 जुलाई 2021 को IGMC शिमला के अंदर हुई। जैसे उनकी मृत्यु का समाचार मिला और बाहर हिमाचल नहीं पूरा हिंदुस्तान शोक की लहर में डूब गया। अब हम बताएंगे राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में। राजा वीरभद्र सिंह जी, जैसे हमें पता है कि वो रामपुर बुशहर रियासत के 122वें शासक थे। और उसके बाद अगर हम की उसके बारे में बात करें, रियासत के बारे में, वहाँ के बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी का जो राष्ट्रीय परिवार है वो भगवान श्री कृष्ण प्रद्युमन और अनिरुद्ध के वंशजों के बीच में गिना जाता है। और उस राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में एक बात और कि वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो 8 बार MLA रहे और 5 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे और उसके बाद 4 बार, यानी यहाँ पर एक बात बहुत देखने वाली बात है कि वो 4 बार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यानी एक जमाना ऐसा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मतलब राजा वीरभद्र सिंह ही था। राजा वीरभद्र सिंह जी महाराजा होते हुए, राजघराने से ताल्लुक रखते हुए, वो आम लोगों की तरह उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा की। यानी हिमाचल प्रदेश को उन्होंने जमीन से अपर लेवल तक जाते हुए देखा। राजा वीरभद्र सिंह के बारे में हम एक बात और बताएंगे कि उनका सपुत्र विक्रमादित्य इस बार शिमला रूरल से MLA है। यानी विधानसभा के अंदर ये चीज देखने को मिली कि पिता और पुत्र दोनों ही MLA थे। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, किसी ने महाराजा को खोआ, किसी ने अपने दोस्त को खोआ, किसी ने पिता को खोआ, दर ने अपने पिता को खोआ, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने एक अपने दोस्त को भी खो दिया है। जैसे आपने देखा कि विधानसभा के अंदर, आपने ये चीज देखी होगी, इस बार जो सेशन हुआ था विधानसभा के अंदर फुटेज भी आए थे कि राजा वीरभद्र सिंह को खांसी होगी लेकिन उनके बेटे ने तुरंत उठकर उनको पानी दिया। उसके बाद उनको ये एहसास हुआ कि उसके वीरभद्र सिंह जी ने भी अपने बेटे का हाथ चूमकर उनको दोबारा से रिप्लाई दिया। ये राजा वीरभद्र सिंह जी हैं। और उसके बाद जैसे ही उनकी मृत्यु का समाचार मिला, और अब हम यहाँ पर ये चीज देखने को कि राजनीतिक विरासत छोड़कर गए राशि अपने राजघराने की विरासत, राजघराने की विरासत पाने के लिए विक्रमादित्य काफी हद तक सफर रहे। उन्होंने राजाजित्य हो गया उनके संस्कार से पहले, और इस वक्त राजा विक्रमादित्य रामपुर बुशहर रियासत के 123वें शासक बन चुके हैं। और अब उनके आगे बहुत सी चुनौती, ये तो थी एक राजघराने की विरासत, अब वो राजनीतिक विरासत। काफी हद तक राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने जीते जी ये साबित कर दिया था कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी उनका पुत्र राजा विक्रमादित्य होगा, लेकिन उनके जाने के बाद तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है, क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, वहां पर प्रतिद्वंदी भी रहते हैं। इसी तरह राजा विक्रमादित्य के लिए जो आने वाला समय है, ये भी सोच समझ चलने वाला होगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत से सीनियर लीडर जैसे मुकेश अग्निहोत्री हैं, हिमाचल के अंदर सुखू है, नादौन से MLA हैं, और उसके अलावा बहुत से लीडर हैं जो उनके हम कह सकते हैं कि पैरलर होंगे। यानी आने वाले दिनों में राजा विक्रमादित्य को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन राजा साहब की बात अलग थी। लेकिन विक्रमादित्य के लिए अपनी राजनीति, तीन पहलू है विक्रमादित्य के लिए। एक पहलू है कि राजघराना, उसको संभालने के लिए वो सक्षम हो चुके हैं क्योंकि उनका राज्य तिलक हो चुका है। अब दूसरी बात, पार्टी कांग्रेस पार्टी में उनके राजा साहब के जो प्रतिद्वंदी थे उनका क्या रोल होगा, उसको भी संभालना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। और तीसरी बात, जो राजा साहब का जनता के बीच में प्यार था, उनका व्यवहार था, उसके ऊपर चलना भी राजा विक्रमादित्य के लिए चुनौती होगी, क्योंकि जनता भी देखेगी कि हमारे महाराजा वीरभद्र सिंह जी के बाद राजा विक्रमादित्य में कौन कौन सी दोनों में सिमिलरिटी है, कौन कौन सी समानता है, वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये भविष्य के अंदर एक प्रश्न है। लेकिन जहां तक राजा वीरभद्र सिंह जी की बात है, एक पत्रकार होने के कारण मैं भी उनसे बहुत बार मिला हूं, लेकिन जब सबसे पहले मैं 1998 में उनसे मिला था, मेरे मन में भी ये बात थी कि महाराजाओं का एक कल्चर अलग होता है, लेकिन जब मैं उनसे मिला मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं एक महाराजा के साथ बात कर रहा हूं, मुझे ये लगा कि एक आम इंसान के साथ, एक आम नागरिक के साथ मैं बात कर रहा हूं। हमारी घंटों बातें होती रहती थी, और उसके अलावा पत्रकार होने के नाते मुझे अक्सर वो मिलते भी रहते थे, ये उनका व्यवहार था। अब राजा विक्रमादित्य को बहुत चीजें जहन में रखते हुए आने वाले दिनों में उनके लिए चुनौती भी हो सकती है, वो और चुनौती होंगी भी, और क्योंकि जनता भी ये चाहेगी कि उनकी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पुत्र के अंदर पिता का अक्ष देखेगी,
अब वो अक्ष कितना होगा ये आने वाले दिनों में होगा। राजा विक्रमादित्य और हम आज एक बात और कहेंगे कि अपने चैनल की तरफ से, अर्थ प्रकाश की तरफ से भी, राजा वीरभद्र सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम पूरे अर्थ प्रकाश परिवार की तरफ से भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं और उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी की आत्मा को शांति दे। और एक बात और चाहता हूँ कि इंसान के कर्म ये बताते हैं कि इंसान ने किस तरह से काम किया। जैसे हमारे शास्त्रों में ये बात है कि जो इंसान अमृत वेला में अपना शरीर त्याग देता है वो स्वर्ग में जाता है। और इस बारे में इस यहाँ पर देखने वाली बात होगी, राजा वीरभद्र सिंह जी ने अंतिम सांस जो IGMC में 3.5 अप्रोक्सीमेटली लगभग इस दौरान ली, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये हम भी सच्चे दिल से भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। ये मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।